देखिए, ये आप देख रहे हैं कि रंग बिरंगे फूल सजाए गए हैं कराची प्रेस क्लब में। गुज़िश्ता रोज़ एडमिनिस्ट्रेटर के एमसी सिंध हुकूमत के तर्जुमान व मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कराची प्रेस क्लब आमद। प्रेस क्लब के अहदेदारान ने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस्तकबाल किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस क्लब में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। फूलों की नुमाइश का इनेकाद के एमसी और प्रेस क्लब के इश्तराक से किया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि प्रेस क्लब की जानिब से फूलों की नुमाइश का इनेकाद खुशाइंद है। शहर में पार्क्स और बागात को बहाल कर रहे हैं। कई बरसों से बंद पड़े पार्क को हमने बहाल किया है। शहर की बेहतरी के लिए मजबूत नीयत और सोच का होना जरूरी है। कराची का असल मकाम बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। कराची की रौनक बहाल करके शहर का तशख्खुस बहाल करेंगे। इस मौके पर कराची प्रेस क्लब के अहदेदारान का मेमन न्यूज से बात करते हुए कहना था कि देखिए, ये आप देख रहे हैं के रंग बिरंगे फूल सजाए गए हैं कराची प्रेस क्लब में। और चूंकि बाहर का मौसम है और हम लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि कराची, जिसका आप बहुत बदनुमा चेहरा पेश करते हैं मीडिया के थ्रू कि बहुत गंदगी है, कचरा है, लेकिन इसी शहर में तरह तरह के फूल भी खिलते हैं, तो उनको हमने यकजा किया है। और ये कराची प्रेस क्लब की एक रवायत भी रही है कि हम अपनी जो हमारे मेम्बर्स हैं उनकी फैमिली के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें उनको एक ताजगी का एहसास हो, उनको ये एहसास हो कि इस शहर, ये शहर बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी तकरीबात भी हो सकती हैं, सिर्फ घुटन नहीं है और बहुत ज़्यादा यूं समझो कि मायूसी नहीं है, एक उम्मीद की फ़िज़ा मौजूद है। और बाहर तो वैसे भी एक उम्मीद का मौसम होता है, प्यार का मौसम होता है, एक यूं समझिए कि एक अच्छे मुस्तकबिल की अलामत समझा जाता है, उसमें लोगों के दिल भी खिल उठते हैं। तो मैं समझता हूं कि कराची प्रेस क्लब ने ये जो फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया है, तो इसमें बड़ी तादाद में हमारे मेंबर्स और उनकी फैमिलीज़ यहां तशरीफ़ लाएंगे। ये 2 दिन की नुमाइश है, कल तक जारी रहेगी, तो इसमें ये तवक्को तो यही है कि लोग आएँगे और ये फूलों को देख के वो एक ताजगी का एहसास लेके जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।